सो हेलो एवरीवन, आज जो हमारा सेशन होगा वो ब्लड ग्रुप पे होगा। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप एक बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन हम इस सेशन के द्वारा बहुत ही इसे आसान बनाने वाले हैं। तो जो ब्लड ग्रुप था, वो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया लैंड स्टेनर एंड वेनर ने। ये लोग बताया कि ब्लड ग्रुप कॉन्सेप्ट को, और ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप बात होता है कंसिस्ट करता है ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब हम इसे आगे बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझेंगे। क्या देखिए, अभी हम इस टेबल के मदद से ब्लड ग्रुप के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी हम आगे समझेंगे क्या होता है। अगर आप अभी ये समझने की कोशिश करिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए हो जाएगा, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी हो जाएगा, किसी का ए बी है तो उसका ए बी हो जाएगा, किसी का ओ है तो वो नील होगा। ओके, उसमें कुछ नहीं होगा। अब वही बात अगर एंटीबॉडी की करें तो एंटीबॉडी में इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी भी हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका ए हो जाएगा, और किसी का अगर ए बी है तो उसका इसमें नील हो जाएगा, और किसी का ओ है तो उसका इसमें ए बी हो जाएगा। ओके, अब जीनोटाइप्स, जीनोटाइप ये ऐसा है कि ये होता है कि आप किसी के फादर या मदर के ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप उसका आने वाले जो चिल्ड्रेन होगा उसके आप निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप जो होता है हमारा आई ए स्मॉल आई हो जाता है। और फिर ब्लड ग्रुप की बात करें बी के लिए तो ib ob ib i, और इसका बात करें ब्लड ग्रुप ए बी के लिए तो इसमें ओनली ia ib जीनोटाइप कि हम देख रहे हैं, और ओ की बात करें तो ओनली स्मॉल आई। ओके, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट था। अगर आप इस पूरे टेबल को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो आप समझिए ब्लड ग्रुप, आप पूरा बहुत ही अच्छे तरीक़े से ब्लड ग्रुप समझ गए। अब ये देखिए, आप सपोज दैट दिस इज अ आरबीसी, और आपको पता होता है आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है। ओके, तो बाई कॉनकेव शेप, और सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर इज एंटीजन, तो ये हमारा एंटीजन हो गया। और इनसाइड इनसाइड आरबीसी वहाँ हमारा होता है एंटीबॉडी। तो अब हम इस हिसाब से देखेंगे, हमारा ये एंटीजन हो गया जो कि हमारा आरबीसी के सरफेस पे है, और एंटीबॉडी कहाँ पे है, जो कि हमारा इनसाइड आरबीसी के प्लाज्मा में होता है। ओके, तो अब ये देखिए, अगर कोई मान लीजिए एक बॉय है, उसका नाम सुनील है, ठीक है। तो ये लड़का का जो है हमारा, इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो जब इसका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको एक बात तो समझ आ ही रहा होगा अभी कि इसके जब ब्लड ग्रुप ए है तो इसके आर इसका एंटीजन क्या होना चाहिए, ए होगा, और इसका एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए एक और कोई बेबी है, कोई भी लड़का हो सकता है, ये मान लीजिए रमेश है, और रमेश का जो ब्लड ग्रुप है, रमेश का ब्लड ग्रुप है आपको बी। तो सिंपल बात है कि ये आरबीसी के ऊपर जो होगा एंटीजन, एंटीजन इसका क्या होगा, बी होगा, और इसके एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। अगर हम फिर बात करें, कोई ये कोई आदमी है, इसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसके आरबीसी के एंटीजन के सरफेस पे क्या होगा, ए बी होगा, और इसके एंटीबॉडी में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब ये नथिंग। तो ये हमारा जो टेबल जो हम लोग पढ़े थे उसके हिसाब से ये हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी है। देखिए, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये कुछ नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और अगर इसकी बात करें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी आरबीसी के न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा होता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड हो या नीट हो या। तो देखिए, ब्लड ग्रुप जो होता है कंसिस्ट होता है फोर फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपेरियंस, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसमें, तो इसमें फोर होता है, दैट इज मेनली ऑफ ए बी ओ। ओके, और ये सिक्स जीनोटाइप का होता है, सिक्स जीनोटाइप जो कि आई ए ऑब्लिक आई ए। तो ये एक 1 2 3 4 5 6, ये कई कई बार
नीट और एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 के बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आते रहता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राइट द फिनोटाइप ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑफ ब्लड ग्रुप, तो आपको ये लिखना होगा। अगर पूछेगा ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिखें तो आपको ये दिखाना होगा उसमें। ओके, अब हम लोग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड देखेंगे। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज गिवन बाय वेनर, वेनर साहब जो थे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को दिए थे। देखिए, मेनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पीरियोडिक किसी किसी की जरूरत होती है, हर महीना भी किसी किसी को ब्लड की कमी हो जाती है, तो किसी किसी अगर प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का बहुत जरूरी होता है। तो लेकिन अभी मेनली हमें क्या है कि इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो जो वेनर साहब थे वो एक रूल दिए कि वो ऐसा रूल दिए कि एंटीजेन ऑफ डोनर ब्लड, मतलब जो डोनर होगा उसके एंटीजेन रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, मतलब कि जो जैसे कि अभी इस एग्जांपल के हिसाब से हम समझेंगे कि जो हमारा डोनर होगा उसका एंटीजन मान लीजिए ए है। तो वेनर साहब ने कहा जो हमारा डोनर होगा और डोनर के एंटीजन, मतलब कि ये इसका डोनर का एंटीजन, ये रिएक्ट करेगा हमारे रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के हिसाब से। ठीक है, ये हमारे वेनर साहब ने कहा। तो अगर देखिए, ये जब भी सिमिलर रहेगा, मतलब एक समान नहीं रहेगा तो ठीक है, जब ही सिमिलर हुआ जैसे कि यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो मुश्किल हो जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए यहाँ कोई है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ये अब इसको क्या है, इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, और यहाँ पे ए ए वाला ब्लड ग्रुप वाला है। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसके आरबीसी के एंटीजन के ऊपर क्या होगा, ए होगा। एंटीबॉडी इनसाइड प्लाज्मा क्या होगा, ए होगा। इसका क्या होगा, बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। तो देखिए, ये क्या, अगर हम इसको डोनर मान लेते हैं, ये हमारा डोनर और ये हमारा रेसिपिएंट, तो रूल क्या कहता है, एंटीजन ऑफ डोनर ब्लड, इसका एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो हमारे वेनर साहब ने दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक और देखेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पे हम। सपोज दैट कि ये है, इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो फटाफट बोलिए, इनका जब ब्लड ग्रुप ए बी है तो इनके आरबीसी के एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा, और इनका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। और इनको ब्लड लेना है, किन से लेना है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है उनसे इनको ब्लड लेना है। तो ये क्या करते हैं, अब जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका क्या है, एंटीजन क्या हो जाएगा, याद कीजिए, बोलिए, अभी आपको याद हो गया होगा, इनका एंटीजन हो जाएगा बी, एंटीबॉडी हो जाएगा बी। तो ये हमारे ये देखिए, अब अगर इनका लेना है हमको, इनको लेना है, किनको लेना है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को लेना है। तो यहाँ से देखिए, इनका तो नील है, ये ख़त्म है, तो ये आप इनको ले आके यहाँ दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और यही बात किया जाए फिर आपसे, अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, इनका तो कुछ नहीं है इसमें, मतलब जीरो है ए बी वाले का एंटीबॉडी। और आप यहाँ देखिए, अब सेम ब्लड ग्रुप वाला ए वाला ब्लड ग्रुप वाला होता है यहाँ पे, और तो ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाला है मान लीजिए, तो इसके एंटीजन में क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, इसका स्मॉल बी होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए ए बी को दे रहा है, ये भी आराम से दे सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ नील है ना, तो ये आराम से दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं। अब देखिए, तो इसीलिए कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बात को आप समझिएगा, क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि ए बी वाला दे या ए दे, ओ बी दे, कोई भी दे, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ओनली वन एंटीजन है, एंटीबॉडीज का एब्सेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए
ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान हो गया। तो जो ओ ब्लड ग्रुप का इंसान है तो इसके एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इसका खाली है, और इसका एंटीजन में क्या है, ए भी है, इसका ए भी है। अब ये देखिए, ये है जो है हमारा डोनर है, ठीक है, और ये जो हमारा होगा यहाँ पे, इनका मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, तो इनके एंटीजन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और इनके ये एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो रूल क्या कहता है, मैनर साहब क्या रूल दिए थे कि एंटीजन ऑफ ये डोनर बॉडी, एंटीजन क्या है, ये हो गया इनका डोनर बॉडी, रिएक्ट विथ एंटीजन ऑफ रेसिपिएंट बॉडी, ये हमारे रेसिपिएंट है। आप देखिए, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले ने आराम से क्या किया, ए ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया। अब देखिए, फिर अगर मान लीजिए यहाँ कोई ब्लड ग्रुप बी वाला है, और तो ब्लड ग्रुप बी वाला है तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा इसमें। तो फिर रूल के हिसाब से क्या कहता है, डोनर का एंटीजन रिएक्ट विथ, ये किसे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा आपको रिएक्ट विथ ये रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से। तो यहाँ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो इसीलिए डोनर ये ब्लड ग्रुप ए को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों, क्योंकि इसके एंटीबॉडी में एब्सेंट होता है, सरफेस पे जो एंटीजन होता है, या जो सरफेस ऑफ आरबीसी पे जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, मतलब वहाँ कुछ नहीं होता है, सरफेस ऑफ आरबीसी एंटीजन एब्सेंट होता है, इसके वजह से ये यूनिवर्सल डोनर भी इसे बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, बार बार पूछता है कि बताइए ब्लड ग्रुप ओ को डोनर क्यों बोलते हैं, तो वहाँ पे लिखना पड़ता है कि जो ब्लड ग्रुप हमारा ओ होता है इसे यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं बिकॉज एंटीजन इज एबसेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी। तो आप समझ गए कि देखिए, ये जो मान लीजिए, एक बार फिर से समझिए, ये हमारा डोनर है ब्लड ग्रुप ओ वाले, अब इनको देना है, ये देखिए दोनों को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर अगर ए बी की बात करें तो ए बी को भी सेम ऐसे ही दे सकता है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कई बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि मान लीजिए हस्बैंड है कोई ब्लड ग्रुप जिसका ए है, वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका जो आने वाला चाइल्ड चाइल्ड चिल्ड्रेन होगा, वो चाइल्ड होगा, उसका ब्लड ग्रुप का प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब क्या हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले आप हस्बैंड के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिखिए। तो हस्बैंड ग्रुप का क्या है, ए है, और यहाँ वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप याद कीजिए, क्या बताया था आपको, आई ए, आई ए ऑब्लिक आई ए स्मॉल आई, सेम बी के लिए भी आई वी ऑब्लिक आई बी आई। अभी हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, लेकिन देखिए जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम इसका रिएक्शन कराएंगे, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो क्या है मालूम है आपको, कि जब भी हम यहाँ लिखेंगे इसमें, तो ये ऑब्लिक के बाद वाले ही चीज़ों को जैसे लिखना है, देखिए आई ए आई है, तो आई ए को यहाँ लिख देना है और आई को यहाँ लिख देना है, और इस वाले चीज़ में अगर देखेंगे मदर के ब्लड ग्रुप में, तो इस वाले ऑब्लिक, ऑब्लिक के बाद वाले चीज़ को लिखते हैं, मतलब आप यहीं याद रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई बी यहाँ आ जाएगा आई। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए आई बी, ओके, इसमें हो जाएगा आई बी आई, इसमें हो जाएगा आई ए आई, इसमें हो जाएगा आई आई। देखिए ये ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, आई ए आई ए, आई बी आई क्या हो जा रहा है, ब्लड ग्रुप बी, ये क्या हो जा रहा है, ब्लड ग्रुप ए, ये क्या हो जा रहा है, मतलब कि जो इसका आने वाला चिल्ड्रेन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है ये ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं, और आई होप कि आपसे ऐसे सभी ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन बन भी जाने चाहिए, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप में एक वर्ड आता है सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन हो किसमें, किसमें एंटीजन और एंटीबॉडी में जब रिएक्शन हो जाए ब्लड में, तो हम उसे बोलते हैं सेरोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वर्ड जानना चाहिए, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। बाय द वे, थैंक यू यू ऑल।